सारी ही डैमेज हो गई थी, फुल आउट हो चुकी हुई है। आज ही के दिन हो जाए तो वाली नाइट है जी, हीरो बम्पर वाला जी। तो कितना गया, कितना टाइम लगेगा ये बताओ। स्टार्ट हो चुकी है जी बम्पर की, तो मुझे लग रहा है कि ये इसमें गया बाहर है। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो लास्ट वीडियो में जो आपने देखा था कि हमने हेडलाइट्स इंस्टॉल की थी अपनी लाली में, और उसके बाद जो इंटरसेक्शन लाइट्स हैं उनकी इंस्टॉलेशन की थी, तो उनकी वजह से जो मेन प्रॉब्लम हमारी गाड़ी में आई थी वो ये थी कि जो हीट से हमने उसका जो गैप था ख़त्म करने की कोशिश की थी, उस वजह से हमारे जो बम्पर की ऑल टू ऑल फिटिंग थी वो सारी की सारी ही डैमेज हो गई थी। और अभी जो है उसकी लुक बहुत ही बकवास लग रही है बम्पर में। अभी आप लोगों को चेक करवाता हूँ, ये आप लोग चेक करेंगे ज़रा बम्पर की कंडीशन। ये देखें जी, बिल्कुल इसकी सेटिंग फुल आउट हो चुकी है, और दूसरी साइड से जो है ये फिर भी कुछ काबिले बर्दाश्त है, लेकिन जो राइट साइड है इसकी वो तो बिल्कुल ही फारिग हो चुकी हुई है। तो अभी चलते हैं, इसकी जो बम्पर की सेटिंग है वो सेटिंग शूटिंग करवाते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारी सेटिंग जो है आज ही के दिन हो जाए, क्योंकि आज हमारे घर में छोटा सा एक फंक्शन भी है। छोटा सा तो नहीं है, काफ़ी बड़ा ही है, ये मेहंदी का जो फंक्शन होता है बड़ा ही होता है। तो वो भी भाई की मेहंदी है, और उसका भी सीन मैं लास्ट में वीडियो में आपको चेक करवाऊँगा कि क्या सीन होता है। आज दिवाली नाइट है जी, तो अभी चलते हैं जी, अपनी लाली का कोई मुंह मत्था निकालते हैं, उसके बाद अपना कोई मुंह मत्था निकालते हैं, फिर आपको एंड पे मेहंदी का सीन भी चेक करवाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को करते हैं जी स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो हमारे जंग के बहुत ही मशहूर यहाँ पे बम्पर मेकर हैं, जिनका नाम है जी हीरो बम्पर वाला, जिनको कहते हैं जी। तो उनसे हमने फ़ोन पे अभी बात की है, तो उन्होंने हमें टाइम दिया है, तो अब उनकी तरफ हम जा रहे हैं। तो उनको दिखाते हैं अपने ये वाला मसला, क्योंकि कल वाले जो हमारे बम्पर वाले साहब थे उन्होंने तो बिल्कुल ही ना कर दिया इस काम से, क्योंकि इसका बम्पर जो है काफ़ी मोटाई में है और मोटा बम्पर है, जिस वजह से इसकी सेटिंग काफ़ी मुश्किल है। और अभी जा के देखते हैं कि जो हमारे हीरो साहब हैं वो कोई हीरोगरी दिखाते हैं। तो मिलते हैं आपसे सीधा ही बम्परों वाले के पास। नहीं जी फ्रेंड्स, ये हीरो साहब के पास हम पहुंच गए हैं। अब इनको हम दिखाते हैं अपना मसला और उसका पूछते हैं हल, कि उसका क्या हल है। अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल है जी? ठीक है, तबीयत से ठीक है यार? ये एक मसला हुआ है, वो तो देखें, आए तो सही। इस साइड का तो इतना मसला नहीं है, ये जो दूसरी साइड है ना इस पे ये काफी है। ये खुलवाया था बम्पर, ये खुद ही खोला था, लाइटें चेंज की थी। अच्छा, और उसके बाद ये लाइटें लगाई थी अंदर, ये वाली लाइटें लगाई थी। लो जी, हीरो भाई अपने काम को जुड़ गए हैं। हीरो साहब, कितना टाइम लगेगा ये बताओ, मेहंदी में पहुंचा दोगे मुझे? लग जाएंगे, दो एक घंटे। दो घंटे लग जाएंगे? साहब हमारे नीचे आ चुके हैं, और ये जो कल हमने इसको अंदर से हीट वगैरह दी थी, इस साइड से भी, इस साइड से भी, जिस वजह से इसकी सारी शेप जो है वो ख़राब हुई पड़ी है। इस साइड से भी ऐसे ही है, लेकिन इस साइड से फिर भी काबिले बर्दाश्त है। जो ये वाली साइड है ना, वो साइड तो काफ़ी जो है ख़राब हो गई है।
चलो अल्लाह खैर करे अब ये सही तरीके से हो जाए। ओके मरम्मत स्टार्ट हो चुकी है जी बम्पर की और अखबार से इसको हेड दे रहे हैं। अखबार और देंगे सही थी बिल्ला। और उसके बाद चेक करते हैं ये सारा का सारा काम जो है हीरो साहब ने हमारा कंप्लीट किया। इसको हल्की हल्की हीट देंगे ना सीधा किया इसको और इस साइड से भी ऐसे ही किया और ये जो हमारा नक्का है ख़राब था वो भी इन्होंने रिपेयर कर दिया आपको नज़र आ रहा होगा। और अब ये जो हेडलाइट वॉशर हैं ये काफ़ी अरसे से मुझे तंग कर रहे थे तो इनकी भी मैंने इनको कहा है कि एक पत्ती बना के इनको फिक्स कर दें प्रॉपर तरीके से। अब ये इसकी फिक्सिंग कर रहे हैं उसके बाद फिर बम्पर लगा के चेक करते हैं बम्पर हमें क्या रिजल्ट निकाल के दिखाता है जी। नहीं जी बम्पर की सेटिंग फिटिंग सारी हो गई हमारी कंप्लीट और देखने में से तो ये लग रहा है कि उसकी फिटिंग पूरी आएगी बाकी रख के देखते हैं उसके बाद आपको इसका रिजल्ट चेक करवाते हैं ये किस तरह का लग रहा है कि नहीं जी हीरो साहब अपनी फिटिंग पे जुड़ चुके हैं और मुझे लग रहा है कि ये इसमें गया पा रहा है और ये दोबारा खुलेगा। और ये हमारे एक दोस्त मिले हैं हमें जमशेद भाई। हाय भाई कैसे हैं आप। इन्होंने अभी अभी शोरूम बनाया वो हमें दिखा रहे थे अपने शोरूम की पिक्चर्स वगैरह। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे जी आमीन भाई आपको तरक्की दे आपको 5-7 बेटे दे आपको अल्लाह पाक 4 बीवियां दे जी एक बहुत है एक बहुत है। चलो एक तो ले आओ पहले एक लेते हैं किसी तरह ना बाकी हीरो साहब लगे हुए हमारे फिटिंग पे और दुआ करते हैं जी आज हमारी फिटिंग कंप्लीट हो जाए। लेकिन इस साइड से अभी भी काफ़ी गैप है बिठा के चेक किया पल्ली साइड में लगता है क्लियर कर ही बैठे हैं ये देखते हैं अब क्या बनता है क्या नहीं बनता। हाँ जी सुनाओ है माशाल्लाह से जो फिटिंग बनी है ना बम्पर की इस साइड की मैं कहता हूँ ये चेक करें चस्क करा दिया हीरो भाई ने अब परली साइड भी ये लगे हुए हैं उम्मीद करते हैं परली साइड भी सेम इसी तरह हो जाए और मैं कहता हूँ चस आ जाए भाई जी एक साइड की जो फिटिंग है वो बहुत ही दलील कर रही है हमें तो फिलहाल मैंने बाइक मंगवाया था मैंने कहा 4 बज चुके हैं और शेप भी सेट करवानी है अपनी तो अभी मैं जा रहा हूँ शेप शूप सेट करवाने फिर उसके बाद यहाँ पर पहुँच के देखते हैं कि काम हो चुका है उम्मीद तो पूरी है कि वो काम पूरा हो जाएगा बाकी देखते हैं आप शेव करवा के सीधा ही वापस आप लोगों से मिलते हैं इस बात हीरो के पास। लो जी फ्रेंड्स शेव शूव करा के मैं फाइनली अपनी लाली के पास पहुंचाया हूं उस्ताद हीरो के पास पहुंचाया हूं उन्होंने खूब अच्छे तरीके से अपनी हीरो करी दिखाई है अपनी लाली पे और अभी आपको दिखाता हूँ मैं बम्पर किस तरह से उन्होंने फिक्स किया ये चेक करें जी बिल्कुल बराबर और बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने इसको सेटिंग की है और इसको फिक्स किया है और दूसरी साइड से भी बिल्कुल फिक्स हुआ पड़ा ये और अभी इसकी ये लाइट्स हैं नीचे उनको मैं दोबारा फिक्स करता हूँ और फिर यहाँ से चलते हैं और आगे देखते हैं। फिर तो शूज़ भी लेने हैं मैंने शूज़ भी नहीं लिया अभी वो भी लेने हैं। हाँ तो भाई लोग गाड़ी के सारे मसलों से निकलने के बाद मैं घर आके तैयार श्यार हो गया हूँ। टाइम ही कुछ ऐसा शॉर्ट था कि बीच वाली वीडियो में आपको दिखा नहीं सका बीच वाला जो भी सीन था तो बम्पर हमारा बिल्कुल ओके हो गया था और अभी हम लोग जा रहे हैं जी अपने भाई की मेहंदी पे। किधर जा रहे हैं जामिन हम कौन सी शादी पे जुबैर चाचू की शादी है। तो ये हमारा जो टूटू शेर है ये भी तैयार हो गया और मैं भी तैयार हो गया हूँ अभी चलते हैं हम मेहंदी पे और वहाँ जाके आप लोगों को आगे मेहंदी का सीन चेक करवाते हैं थोड़ा सा अल्लाह गुल्ला होगा और थोड़ा सा नाच गाना होगा और कवाली नाइट होगी और आगे का सारा सीन आपको चेक करवाते हैं और वीडियो का आप लोग पूरा देखें और इंशाल्लाह आपको भी बहुत मज़ा आएगा। अब चलते हैं आगे मेहंदी की तरफ
मलवेर हमारे भूपेर, ये असलान भाई, ये देखिए बालीमे का समझ के आए हैं, ये आज मेहंदी बालीमे का समझ के आज मेहंदी पे फूले चुके आगे गोल चोल के ऑफ गॉड आई एम एंजॉयिंग द मेहंदी एंड आई वांट अ लॉन्ग ड्राइव विद यू यू नो यस ब्रो यस ब्रो यस ब्रो आपको मिलवाना भूल गए थे आप कुमार भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शादी में शिरकत के लिए। अभी थोड़ी देर तक आपको कुमार भाई का भी डांस चेक करवाते हैं। ¿Sabes? 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 ¿Sabes?